एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 29 क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये मामला निकल कर आ रहा है अर्जुन रामपाल के इन्वेस्टिगेशन से। क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूं, कल आप लोगों को ध्यान होगा अर्जुन रामपाल के साथ इन्वेस्टिगेशन हुई थी, 6 घंटे पूछताछ की गई एनसीबी द्वारा। एनसीबी द्वारा पूछताछ इसलिए की गई क्योंकि अर्जुन रामपाल के यहाँ जब रेड हुई तो रेड में एक प्रिस्क्रिप्शन हैंडओवर किया गया था एनसीबी को अर्जुन रामपाल द्वारा, जो कि मिले हुए ड्रग्स के अगेंस्ट में था। खबर ये निकल कर आई कि ये ड्रग्स जो कि इलीगल है, ये एक प्रिस्क्रिप्शन के तहत लिया जा रहा था अर्जुन रामपाल द्वारा। लेकिन मामला वहीं नहीं रुका, मामला आगे बढ़ा क्योंकि जिसका प्रिस्क्रिप्शन था वो एक डॉक्टर थे, रोहित कर, जो कि दिल्ली के हैं माना जा रहा है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट मेट्रोपॉलिटन अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के आगे रजिस्टर करवा दी है। उनका कहना है कि रामपाल उनके पास किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू पहुंचे और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो एनसीबी को फुल सपोर्ट करेंगे। अब मामला फंस गया है अर्जुन रामपाल के लिए क्योंकि वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बैकडेटेड है, ये कहा जा रहा है। पूरी खबर क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, गर्ग इन स्टेटमेंट हैज टोल्ड द एनसीबी दैट ही वाज अनअवेयर ऑफ द प्रोब। ही वाज अप्रोच बाय अ रिलेटिव ऑफ अर्जुन रामपाल थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। द रिलेटिव सेड दैट शी हैज एंग्जाइटी एंड रिक्वेस्टेड फॉर अ बैक डेटेड प्रिस्क्रिप्शन। अब जो खबर एनसीबी से निकल कर आई वो मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग द प्रोब वी हैव फाउंड अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट इन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट एंड द प्रिस्क्रिप्शन दैट ही हैज सबमिटेड। एज फार एज द प्रिस्क्रिप्शन इज कंसर्न, इट इज एस्टैब्लिश दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच कैन बी इन्वेस्टिगेटेड अंडर सेक्शन 29 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। ये खबर आ रही है एनसीबी से। तुम जिस तरह से मैंने आप लोगों को सुबह भी बताया था, अर्जुन रामपाल के लिए मामला खराब है, तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या निकल कर आता है एनसीबी से और अर्जुन रामपाल के लिए। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ ही देर में। धन्यवाद।